वेलकम अगेन स्टूडेंट्स, और आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 4 कार्बन और उसके यौगिक के बहुविकल्पी प्रश्न यानी एमसीक्यूज। और इससे पहले 3 चैप्टर्स जो हैं उनकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट है। सो आप वहां पर विजिट करके बाकी जो 3 चैप्टर्स हैं उनके एमसीक्यूज भी कर सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, सरलतम हाइड्रोकार्बन का IUPAC नाम क्या है? तो सरलतम हाइड्रोकार्बन है वो कौन सा होता है? मिथेनल, एथाइन, एथीन या मीथेन। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन है वो होता है मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4, यानी जिसमें केवल एक ही कार्बन होता है। और एक कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? मिथ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सरलतम अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? तो सरलतम अल्कोहल कौन सा होगा? मैथेनॉल, एथिल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एथेनॉल। सो सरलतम जो अल्कोहल है उसका नाम है मेथेनॉल, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है CH3OH। ये सरलतम अल्कोहल है। नेक्स्ट, अल्कोहल जिसे पेय पदार्थ बियर, वाइन, विस्की आदि के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा अल्कोहल है? मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, एथेनॉल या ब्यूटेनॉल। तो वो अल्कोहल कौन सा होता है? एथेनॉल, उत्तर बी रहेगा, जिसका फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। इसमें 2 कार्बन है तो इसके लिए इसको यूज करेंगे हम एथेनॉल। नेक्स्ट, अल्कोहलिक किण्वन निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया जाता है? जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, यीस्ट के द्वारा या साइनोबैक्टीरिया के द्वारा। तो जो अल्कोहलिक किण्वन है वो किसके द्वारा होता है? यीस्ट के द्वारा। यह आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, यीस्ट के द्वारा अल्कोहलिक किण्वन कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथीन का आणविक सूत्र क्या है? तो एथीन, एथ यानी जिसके अंदर 2 कार्बन होंगे, तो एन है यानी सिंगल बॉन्ड होगा, एकल आबंध होगा, तो उसका आणविक सूत्र क्या होगा? CH4, C2H6, C2H2, C3H8। तो इथेन का फॉर्मूला क्या होगा आणविक सूत्र? C2H6। इसका सही उत्तर रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेनोन का सूत्र है? तो देखिए, प्रोपेनोन, प्रोप का मतलब क्या है, यानी उसके अंदर कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन है। और प्रोपेनोन, ओन यानी किसके लिए है? कीटोन के लिए यूज हुआ है। ओन किसके लिए यूज होता है? वो होता है कीटोन के लिए। तो कीटोन जो है होना चाहिए, और कीटोन हमेशा जो ग्रुप है ये हमेशा बीच में होता है कार्बन कार्बन चेन के, ठीक है, कभी भी एंड पर नहीं होगा। अगर एंड पर होगा तो इस तरह से एल्डिहाइड बन जाएगा, जो कीटोन नहीं रहेगा। सो इसलिए इसका जो सूत्र होगा वो क्या होगा? ये नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, इसमें ये वाला जो है आंसर बी रहेगा, CH3CO CH3। आप CO को C डबल बॉन्ड O ऐसे भी दिखा सकते हो, तो बी जो है सही उत्तर होगा। एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह है, एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह COOH है या C डबल बॉन्ड O या CHO या COOR। तो एल्डिहाइड के लिए क्या प्रकार्यात्मक समूह है? वो होता है CHO, तो C जो है इसका सही उत्तर रहेगा। कीटोन का प्रकार्यात्मक समूह क्या है? तो अभी हमने ऊपर किया, कीटोन का प्रकार्यात्मक समूह कौन सा होगा? COOH, CHO, C डबल बॉन्ड O, COOR। तो इसके लिए प्रकार्यात्मक समूह होगा C डबल बॉन्ड O, कीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साबुन को निम्नलिखित में से किस क्षारीय अपघटन द्वारा तैयार किया जाता है? तो साबुन को बनाने के लिए किसका अपघटन किया जाता है? क्षारीय यानी NaOH के साथ अभिक्रिया की जाती है, जिसको हम साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वसीय अम्लों के द्वारा, निम्न एस्टर के द्वारा, ग्लिसराइड के द्वारा या उपरोक्त सभी है। वसीय अम्लों के जब क्षारीय अपघटन किया जाता है तो इस प्रक्रिया को साबुनीकरण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका निम्नलिखित में से किसका तनु विलयन है? तो सिरका एथेनॉल का, मेथेनोइक अम्ल का, मेथेनॉल का या इथेनोइक अम्ल का। तो इथेनोइक अम्ल जो है इसका सही उत्तर होगा, इथेनोइक अम्ल CH3COOH इसका फॉर्मूला है। इसको, इसका जो है 5% जो सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं हम सिरका, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? सिरका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनॉल का पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। अगर आप एथेनॉल का पूर्ण ऑक्सीकरण करते हो तो आपको क्या मिलेगा? एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल, एसीटोन या कोई नहीं। तो इसके लिए देखिए, जब एथेनॉल का पूर्ण ऑक्सीकरण किया जाता है तो इथेनोइक अम्ल मिलता है, ठीक है, इथेनोइक अम्ल। और ये किसी भी ऑक्सीकारक एजेंट की उपस्थिति में कराया जाता है, जैसे पोटाशियम डाइक्रोमेट है या पोटाशियम परमैंगनेट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एस्टर सुगंध देगा जब उसे एथेनॉल तथा थोड़े से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। तो इसमें देखिए एथेनॉल की अभिक्रिया है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में और एस्टर बनेगा, ठीक है। तो ये अभिक्रिया है एस्टरीकरण अभिक्रिया और ये काफी इंपॉर्टेंट है। और एथेनॉल जब एथेनोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो एस्टर बनाता है। तो इसमें आपको क्या ढूंढना है, एथेनोइक अम्ल, और एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, ये एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला है। सो इसका आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों में से असंतृप्त यौगिक कौन है। असंतृप्त यौगिक कौन से होते हैं जिनमें द्विआबंध या त्रिआबंध होता है, तो वो होते हैं असंतृप्त यौगिक। अब इसमें C2H6 ये एक संतृप्त यौगिक है, C3H8 संतृप्त यौगिक है, C3H4 इसको देख लेते हैं और CH4 भी संतृप्त यौगिक है। तो C3H4 अगर आप देखेंगे तो ये C3 हो गया और इसमें अगर आप जो है यहाँ पर त्रिआबंध लगाते हैं तो यहाँ पर तीन हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगी, इसका इसके जो है चारों आबंध पूरे हैं और एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगी। तो फॉर्मूला बना C3H4, तो बी जो है वो असंतृप्त यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल वसा का क्षारीय अपघटन क्या कहलाता है। तो हमने अभी ये रिएक्शन की थी कि जो तेल या वसा है उसका क्षारीय अपघटन क्या कहलाएगा, एस्टरीकरण, साबुनीकरण, डिहाइड्रोजनीकरण या उदासीनीकरण। तो जो ये करण वाली रिएक्शन है, अभिक्रियाएं हैं, इनको आप जरूर कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर तेल वसा का क्षारीय अपघटन होने से क्या अभिक्रिया होती है, वो होती है साबुनीकरण और इसमें साबुन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल में विद्यमान प्रकार्यात्मक समूह है, अल्कोहल में कौन सा समूह उपस्थित होता है, OH, COH, CHO या C double bond O। तो अल्कोहल के लिए होता है OH समूह, ये एल्डिहाइड के लिए है, ये कीटोन के लिए है और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए है। नेक्स्ट, प्रोपेनोन में विद्यमान प्रकार्यात्मक समूह है। अब देखिए प्रोपेनोन ओन यानी ओन किसके लिए यूज होता है, कीटोन के लिए। तो कीटोन ग्रुप आपको इसमें ढूंढना है कि कीटोन जो प्रकार्यात्मक समूह है वो कौन सा है। COH ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, OH अल्कोहल है, C डबल बॉन्ड O ये जो है कीटोन के लिए है और CHO एल्डिहाइड के लिए। तो B जो है इसका सही उत्तर रहेगा। सह संयोजी आबंध बनते हैं, तो सह संयोजी आबंध इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, A तथा B दोनों से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सह संयोजी आबंध हमेशा आपस में जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तभी सह संयोजी आबंध बनते हैं, ठीक है। तो उत्तर ए रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो वो हमेशा आयनिक आबंध होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें NaCl, NaCl में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो ये एक आयनिक आबंध है। लेकिन अगर हम बात करें HCl, ठीक है, तो HCl के अंदर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, इसलिए ये एक सहसंयोजी आबंध है। या CH4 मीथेन का भी आप उदाहरण ले सकते हो। ऑक्सीजन के अणु में विद्यमान है एकल आबंध है, त्रिआबंध है, द्विआबंध है या आयनिक आबंध है। तो ऑक्सीजन के अणु में जो है द्विआबंध विद्यमान है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन का जो अणु है उसमें कैसे आबंध हैं। तो नाइट्रोजन के अणु में एक सहसंयोजी आबंध, द्वि सहसंयोजी आबंध, त्रि सहसंयोजी या त्रिविद्युत संयोजी आबंध। तो अगर आपने नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किया है तो आप जो है इसको इजीली कर सकते हो। तो नाइट्रोजन में त्रिआबंध सहसंयोजी आबंध त्रिआबंध होता है, तो इसके लिए आपका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिकों में विद्यमान आबंध होते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों में आयनिक आबंध होते हैं, सहसंयोजी, आयनिक तथा सहसंयोजी या इनमें से कोई नहीं। तो कार्बनिक यौगिकों में जो विद्यमान होते हैं आबंध वो होते हैं सहसंयोजी आबंध। नेक्स्ट, किसी क्षार की उपस्थिति में एस्टर का अपघटन क्या कहलाता है। तो किसी भी क्षार की उपस्थिति में एस्टर का अपघटन साबुनीकरण कहलाता है या किण्वन या जलीकरण या निर्जलीकरण। तो किसी क्षार की उपस्थिति में एस्टर का अपघटन साबुनीकरण कहलाता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथेनॉल की एथेनोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल इन दोनों की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हमेशा एस्टरीकरण अभिक्रिया होगी। ये हम पहले ही कर चुके हैं, साबुनीकरण नहीं होगा, जलीय अपघटन नहीं होगा, किण्वन नहीं होगा, एस्टरीकरण जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनॉल के नियमित अधिक मात्रा में सेवन से बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो जो अल्कोहल यानी ड्रिंक करते हैं उसका अधिक मात्रा में सेवन से बुरा प्रभाव कहाँ पर पड़ता है, यकृत पर, मस्तिष्क पर, हृदय पर, उपरोक्त सभी। तो ड्रिंक करना सभी अंगों के लिए हार्मफुल है, तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजी यौगिक जल में घुलनशील है। तो इसमें देखिए जल में घुलनशील कौन सा सहसंयोजी यौगिक है, एथेनॉल, सुक्रोज, एथेनोइक अम्ल या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है इसका सही उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंयोजी यौगिकों में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होता है? ये विद्युत के कुचालक होते हैं, इनके गलनांक और क्वथनांक कम होता है, इनमें से अधिकतर जल में अघुलनशील होते हैं और उपरोक्त सभी। तो देखिए जो सहसंयोजी आबंध होते हैं उसमें ये सारे गुण होते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में विद्यमान प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है? OH, CHO, COOH, C डबल बॉन्ड O। तो ये काफी इजी है। अब तो बी जो है इसका सही उत्तर रहेगा COOH, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समजातीय श्रेणी के क्रमिक सदस्य किस समूह द्वारा एक दूसरे से भिन्न होते हैं? तो किस समूह द्वारा वो अलग अलग होंगे? CH3 ग्रुप द्वारा, C2H5, CH2 या CO। तो जो अंतर होता है वो CH2 का अंतर होता है, यानी अगर हम बात करें परमाणु द्रव्यमान 14 का अंतर होता है, कार्बन 12 और 2 हाइड्रोजन, तो कितना हो गया टोटल 14 का अंतर होता है एक समजातीय श्रेणी के समूहों जो सदस्य हैं उनके बीच में। एल्कोहल अम्लीकृत K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ ऑक्सीकरण करके बनाते हैं, तो क्या बनाएंगे? एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन और एस्टर। तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। एल्कोहल ऑक्सीकार की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएंगे, सो सी जो है सही उत्तर रहेगा। वनस्पति तेलों की हाइड्रोजन के साथ योगात्मक अभिक्रिया करके वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए वनस्पति तेल जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन के साथ योगात्मक अभिक्रिया करके क्या बनाया जाता है? घी बनाया जाता है, जिससे वो संतृप्त हो जाते हैं। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? जलयोजन, वी हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण या निर्जलीकरण। तो इसका उत्तर रहेगा हाइड्रोजनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH4 की Cl2 यानी क्लोरीन के साथ क्रिया के लिए किस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है? ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या कोई भी नहीं। तो उत्तर क्या होगा? प्रकाशीय ऊर्जा। प्रकाशीय ऊर्जा की उपस्थिति में CH4 जो है वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है। पेंटेन के कितने समावयव संभव हैं? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर कर लें। पेंटेन के कितने समावयव होते हैं? 2, 4, 3 या 1। तो पेंटेन के 3 समावयव संभव हैं, एनपेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। नेक्स्ट, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक कौन है? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस क्लोरीन, मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक होता है मीथेन। रासायनिक दृष्टि से साबुन लंबी श्रृंखला युक्त वसीय अम्ल के खालिस्तान लवण होते हैं। तो साबुन लंबी श्रृंखला के क्या होते हैं, किससे बने होते हैं? मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या उपरोक्त में से कोई नहीं। सो साबुन लंबी श्रृंखला युक्त वसीय अम्ल के सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। नेक्स्ट, साबुन झाग बनाते हैं केवल किसमें बनाते हैं? साबुन मृदु जल में, कठोर जल में, मृदु तथा कठोर जल में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साबुन जो है वो मृदु जल में ही बहुत अच्छे से झाग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपमार्जक उपयोगी होते हैं। तो अपमार्जक यानी डिटर्जेंट वो किसमें उपयोगी होते हैं? केवल मृदु जल में, कठोर जल में, मृदु तथा कठोर जल दोनों में या केवल वर्षा के जल में? तो देखिए अपमार्जक जो है वो स्कम नहीं बनाते, यानी वो जो है कैल्शियम और जो मैग्नीशियम के लवण हैं उनके साथ अभिक्रिया करके स्कम नहीं बनाते, जिसके कारण वो दोनों प्रकार के जो जल है मृदु और कठोर जल दोनों में ही अच्छे से झाग बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथीन का आणविक सूत्र क्या है? तो एथीन देखिए यानी दो कार्बन, एथीन का मतलब है दो कार्बन, तो दो कार्बन C2H6 क्या है? एथीन है। C2H4 ये एथीन है। C2H2 क्या है? ये एथाइन है। और C3H6 ये प्रोपीन है। तो C2H4 जो है इसका सही उत्तर रहेगा। सी डबल बॉन्ड सी एक ग्रुप दिया हुआ है, प्रकार्यात्मक समूह किस समजातीय श्रेणी में होता है? तो इसमें देखिए इसमें द्वि आबंध है, तो द्वि आबंध किसके लिए यूज होता है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या एल्डिहाइड। तो किसके लिए प्रयोग होता है? एल्कीन इसका सही उत्तर है। एल्काइन में विद्यमान प्रकार्यात्मक समूह, तो आपको पता है एल्केन में एकल आबंध, एल्कीन में द्वि आबंध और एल्काइन में त्रि आबंध। तो इसमें जिसमें त्रि आबंध है वो जो है एल्काइन में विद्यमान प्रकार्यात्मक समूह हो जाएगा। तो इसमें उत्तर देखिए ये नहीं हो सकता, इसमें द्वि आबंध है नहीं हो सकता, इसमें भी द्वि है नहीं होगा, और अगर हम तीसरे को देखें सी को तो इसमें त्रि आबंध है, तो ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक अम्लों का सामान्य नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक अम्लों का सामान्य सूत्र है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र CnH2n+2 नहीं होगा, CnH2n+1 OH नहीं, OH अल्कोहल के यूज होता है, CHO एल्डिहाइड के लिए, और COOH जो है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए। तो डी जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम देखें
निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से सहसंयोजी यौगिकों के लिए निम्नलिखित में से सहसंयोजी यौगिकों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? ए अंतरा अणुक बल ज्यादा है, क्वथनांक कम है, सी विद्युत का कुचालक है, या गलनांक कम है। तो सहसंयोजी यौगिकों के लिए क्वथनांक भी कम होता है, गलनांक भी कम होता है, अंतराणुक बल जो है वो ज्यादा नहीं होता, वो कम होता है, सो विद्युत का कुचालक भी होते हैं। इसमें इसका जो उत्तर रहेगा, जो कथन सत्य नहीं है, वो ए है। अंतराणुक बल यानी जो आपस में बीच का जो फोर्स होता है, आबंध होता है, वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होता, क्योंकि सहसंयोजी आबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एक ही समजातीय श्रेणी से संबंध नहीं रखता? तो देखिए, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, एन एन है, तो ये एक समजातीय श्रेणी से संबंध रखते हैं, लेकिन ब्यूटीन, इसके अंदर द्वि आबंध आ गया, तो ये जो है बिल्कुल अलग हो गया, तो डी जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3CH2OH ये क्या है? एथेनॉल, ठीक है, इसकी अभिक्रिया हुई क्षारीय KNO4 या अम्लीय K2Cr2O7, ये पोटेशियम परमैंगनेट और ये पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये ऑक्सीकारक हैं, इनकी उपस्थिति में अभिक्रिया हुई तो क्या बन गया? एथेनॉइक अम्ल। यह अभिक्रिया किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का, जलयोजन का, अपचयन का, हाइड्रोजनीकरण का, तो ये ऑक्सीकरण हुआ है ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, तो ये ए जो है इसका सही उत्तर होगा। CH3COOH + C2H5OH ये क्या है? एथेनॉइक अम्ल है, ये अल्कोहल है और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी और ये क्या बन गया? एस्टर बन गया और पानी जो है वो निकल जाएगा। यह अभिक्रिया किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण, एस्टरीकरण, अपचयन, साबुनीकरण, तो यह अभिक्रिया उदाहरण है एस्टरीकरण का। नेक्स्ट साइक्लोहेक्सेन, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोहेक्सेन का आणविक सूत्र क्या है? तो साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन और साइक्लो यानी रिंग बनी हुई है, यानी 6 की रिंग बनी हुई है, ठीक है, तो उसका सूत्र क्या होगा? C6H6 नहीं हो सकता, C6H14 नहीं हो सकता, C6H12 ये जो है इसका सही उत्तर रहेगा। C5 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बन जो है कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए, सो B जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन का आणविक सूत्र है, तो बेंजीन जो है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12, C6H14, C6H6 और C5H10, तो बेंजीन का जो सही सूत्र होता है वो होता है C6H6, सो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, तो C6H6 जो है बेंजीन का आणविक सूत्र होता है। एनब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन क्या हैं? समजात हैं, समावय हैं, अपरूप हैं या आइसोबार हैं, तो ये हैं समावय। सो समावय क्या होते हैं? ऐसे यौगिक जिनका सूत्र तो समान होता है लेकिन उनकी संरचना वो अलग अलग होती है, वो समावय कहलाते हैं। श्रृंखलन निम्न में से कौन सा तत्व प्रदर्शित करता है? श्रृंखलन का मतलब क्या है? अपने आप से जुड़ना और एक लंबी चेन बना देना, वो श्रृंखलन गुण होता है। सो ऑक्सीजन, सोडियम, नाइट्रोजन या कार्बन, तो इसमें सही उत्तर होगा कार्बन। कार्बन कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसमें श्रृंखलन बहुत ज्यादा होता है और इसी के कारण कार्बन लाखों की संख्या में यौगिक बना सकता है। नेक्स्ट मैथेनल है एक, तो मैथेनल क्या है? मैथेनल का फॉर्मूला क्या होता है? HCHO, ये मैथेनल का फॉर्मूला है, तो ये अल्कोहल है, कीटोन है, एल्डिहाइड है या कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो इसके अंदर जो प्रकार्यात्मक समूह है वो एक एल्डिहाइड है, तो ये एक एल्डिहाइड है, सो इसका सही जो उत्तर रहेगा वो रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुलेरिन किसका अपरूप है? तो फुलेरिन देखिए सल्फर का, कार्बन का, फॉस्फोरस का या कोई नहीं, तो फुलेरिन कार्बन का अपरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3OH, C2H5OH या C3H7OH, C4H9OH ये क्या है? समावय है, अपररूप है, समजात है या आइसोबार है? सो इसमें अगर आप देखें तो जो अंतर है वो CH2 का अंतर है, सो ये जो है समजात श्रेणी के सदस्य हैं। CH3OH तथा C2H5OH ये क्या है? एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, अम्ल है या कीटोन है? तो इसमें देखिए OH जो है प्रकार्यात्मक समूह है, तो ये क्या है? एल्कोहल है। एल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है CWH, CHO, C डबल बॉन्ड O या OH, तो इसका समूह क्या होता है? OH जो है इसका सही आंसर है। यौगिक HCHO का IUPAC नाम क्या है? तो मेथेनॉल, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनॉल या मीथेन, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मेथेनल। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एक अच्छा ईंधन है? नेप्थलीन, एल्कोहल, कैम्फर या एसिटिक अम्ल, तो कौन सा अच्छा ईंधन है? एल्कोहल जो है इसमें अच्छा ईंधन है। तो ये थे स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ नहीं समझ आया, यू कैन कमेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है इस तरह के क्वेश्चंस का बेनिफिट ले सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।